रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्यू हांडी चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीमी मटन कढ़ाई। इसमें हम क्रीम यूज़ करेंगे और ये बड़ी मज़े की बनती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप एक्यू हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मटन लिया है मैंने हाफ के जी, आधा किलो मटन मिक्स है, ये रान का गोश्त ले लिया था मैंने, आधा किलो मटन है और दो टमाटर जाएंगे इसमें, ये साइज़ के मीडियम साइज़ के, मीडियम से लार्ज तक, और चार पांच सब्ज मिर्च ये गार्निश के लिए, एक लेमन का रस जाएगा इसमें, दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो बड़े प्याज इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, हाथ से नहीं किया, चॉपर से चॉप किया है, दो बड़े प्याज, एक कप भर के दही और ये है दो खाने के चम्मच क्रीम, और मसाले इसमें जाएंगे एक चाय का चम्मच काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, और इसमें हल्दी जाएगी एक चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया जाएगा एक चाय का चम्मच, गरम मसाला हम थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, और ऑयल हम यूज़ करेंगे इसमें आयत कुकिंग ऑयल। ये आयत कुकिंग ऑयल है, मलेशियन ब्रांड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इसको तैयार किया गया है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं क्रीमी मटन कढ़ाई। सबसे पहले हम टमाटरों को ब्लांच करेंगे। ये मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं ये टमाटर है इसको मैं बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाऊंगी, सिर्फ कैसे लगा के इसी तरह इसको और इस तरह इसको, ये हम रख देंगे इसको लांच होने के लिए, इसका छिलका उतर जाएगा, स्टीम दे देंगे ताकि इसका छिलका उतर जाए। पैन में ऑयल ले लिया मैंने, इसमें हम डालेंगे प्याज, दो बड़े प्याज ले लिए थे मैंने, गुलाबी कलर का प्याज हो जाएगा ना, फिर हम इसमें डालेंगे मटन, प्याज का कलर पिंक हो जाएगा, प्याज हमारा कलर चेंज हो गया प्याज का। डाल दूंगी मैं मटन, मैंने हाफ के जी मटन लिया है, मटन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। मटन का कलर चेंज हो गया, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन, अदरक लहसुन ये इसको मैंने
वो आ रही है, खाला हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें अब पानी डाल दूंगी ताकि हम मुझे मसाले डालने हैं ताकि मसाला गले ना। और इसमें खुशबू भी आना शुरू हो गया। मसाले इसमें जो जाएंगे वो मैंने जब भी बता दिया कि अभी मैं बता रही हूँ कि इसमें जाएंगे सबसे पहले मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी काली मिर्च आधा चाय चम्मच और धनिया एक चाय चम्मच, हल्दी एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है एक चाय का चम्मच, और नमक इसमें उससे जायका मैं इसमें डाल दूँगी एक चाय का चम्मच नमक। एक चाय का चम्मच नमक डाल दूंगी मैं टेस्ट के हिसाब से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये थोड़ा सा पानी और ये ब्लांच टमाटर और इसको मैं कवर कर दूंगी। दो तीन मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। डाले थे ब्लांच शिवा ये देखें ये मिक्स हो गए हैं। अभी और भी मिक्स हो जाएंगे, हम इसको पानी में डाल के फ्राएंगे, लेकिन अभी मैं चम्मच इसलिए चला रही हूँ ताकि ये टमाटर जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस अब हम इसको पानी डाल के दो तीन कप पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मीट जो है हमारा मटन अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। और फिर लास्ट में हम इसको जब गोश्त अच्छा सा गल जाएगा मीट हमारा मटन, फिर हम इसमें दही डालेंगे और लास्ट में जब दम लगाएंगे तो हम इसमें क्रीम डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए। बस मैं अब इसमें पानी डाल दूंगी दो तीन कप और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। पानी डाल देते हैं दो तीन कप। जब गोश्त गल जाएगा फिर हम इसको इसमें दही और टमाटर डाल देंगे, दही और क्रीम। कुछ डल गया, भून भी गया है अच्छे से, इसको मैंने भून लिया अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल दूंगी दही, एक कप दही,
दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसमें क्रीम डालूंगी। दही का पानी भी खुश्क हो गया और इसमें ग्रेवी भी बन गई है। देखें कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। तो थोड़ा सा और भून लेंगे हम। मैं इसमें अब डाल देती हूँ सब्ज़ मिर्चें। थोड़ी देर और इसको मैं पका लूँगी। लास्ट में जब बस हम सर्व करेंगे ना, तब इसमें हम इसमें क्रीम डाल देंगे। सब्ज मिर्च थोड़ी सी पक जाए फिर हम इसमें क्रीम डाल देंगे। इसमें जाएगा लेमन, एक लेमन का रस यूज़ कर, लेमन एक लेमन हम डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए मैंने सब्ज़ धनिया और अदरक जुलियन काट लिया, इसमें लेमन चला गया और अब इसमें जाएगी क्रीम। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और अब हम इसे कर देंगे सर्व। क्रीमी कढ़ाई रेडी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मटन क्रीमी मटन कढ़ाई रेडी है और मैंने इसको लेमन से गार्निश कर दिया है, अदरक भी जूलियन काट के डाल दिया और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम भी जो बची थी वो डाल दी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा IQ हांडी चैनल की कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।